नमस्कार, देसी रसोई चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। और आज हम लेके आए हैं यूपी की फेमस रेसिपी, जो यूपी में सिंघाड़े जब चलते हैं तो सभी के घरों में ये सब्जियां बनती हैं और बहुत ही अच्छी लगती हैं। तो सिंघाड़े गोभी और टमाटर की सब्जी हम बनाने वाले हैं आज। और ये रेसिपी मक्के की रोटी के साथ बहुत ही अच्छी लगती है। फिर आपकी मर्जी, आपको गेहूं की रोटी के साथ, मक्के की रोटी के साथ या नान के साथ, आपको जिसके साथ खानी है आप खा सकते हैं। पर आप एक बार ऐसे बनाना जरूर। तो मैंने हाफ के जी सिंघाड़े ले लिए, एक पाव गोभी ले लिए और दो हमने ले लिए हैं टमाटर। तो सबसे पहले इनको हम छील के धो के ले ले रहे हैं। और इनको छीलना बहुत ही आसान है, इस तरह से छिल जाते हैं, बहुत ही सॉफ्ट हैं, इस समय टाइट नहीं आते हैं, बहुत ही मुलायम है, तो आराम से छिल जाएंगे। इनको हमें छील के साफ करके ले लेना है। और अभी तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दें और लाइक करें और बेल आइकन बटन को जरूर दबाएं। और तो ये हमने छील के और साफ करके ले लिया है। तो आप सोच रहे होंगे हाफ के जी सिंघाड़े में इतने कम क्यों हैं? तो कम इसलिए हैं कि आप भी जानते हो, मटर का सीजन हो या सिंघाड़े का सीजन, इतना बढ़िया लगते हैं कि अगर जिसको भी ये काम दिया जाए छीलने का तो समझो आधा वर्दा तो गायब हो ही जाता है। तो हाँ, ऐसा ही कुछ इनमें भी हुआ है, मेरे पेट में कुछ चले गए हैं। बहुत ही अच्छे लगते हैं, इतने मीठे लगते हैं। तो लेकिन आप ये सोच रहे होगे इसकी रेसिपी जो बनती है वो मीठी लगती होगी, बिल्कुल नहीं मीठी लगती है, बल्कि बहुत ही अच्छी लगती है इसकी। तो ये मैंने गोभी काट ली है और टमाटर भी कट करके रख लिए। अब इनको करना क्या है, अगर आपके पास सिलबट्टा है तब तो इनको कोट लीजिए, सिलबट्टे पे कोट लीजिए, मतलब एक सिंघाड़े भी है तो आप चाकू से ही काट लीजिए छोटे छोटे पीसेस, इस तरह से बहुत ही सॉफ्ट होते हैं, तुरंत कट जाते हैं, इस तरह से काट लिए। हमने यहाँ पे ले लिए मसाले, आप देख पा रहे होंगे मसाले, एक लकड़ी का टुकड़ा ले लिया है, एक मीडियम साइज का ले लिया हमने प्याज, छह से सात हमने लहसुन की कलियां ले ली है, एक चौथाई चम्मच हमने ले लिया जीरा, एक छोटी इलायची और आधे से भी मतलब एक चौथाई हमने दाने ले लिए हैं बड़ी इलायची के, और जावित्री ले ली है, एक लौंग ले लिए और आधी चम्मच हमने ले लिए काली मिर्च। इनका मुझे बनाना है एक पेस्ट, तो चलिए इनका पेस्ट हम बना लेते हैं पहले। तो हमने इनको सिलबट्टे पे कूट लिया है, इस तरह से आप देख सकते हैं। और गैस पे हमने कढ़ाई रख दी है और हमने लिया है सरसों का तेल, आप कोई भी तेल ले सकते हैं पर सरसों के तेल में सब्जी बहुत ही अच्छी बनती है। तो इस समय हमें सबसे पहले क्या करना, तेल गर्म अच्छे से हो गया है, जो हमने गोभी काट रखी है इसको मुझे हल्का सा फ्राई कर लेना है, थोड़ी संभाल के डालें। गोभी फ्राई करने से क्या होता है, जो गोभी होती है कुछ गोभी एकदम से गल जाती है तो दिखती नहीं है सब्जी में, इसलिए अगर आप फ्राई करके डालेंगे तो गोभी आपकी बिल्कुल साबुत ही रहेगी, अच्छे से पक भी जाएगी पर एकदम बहुत ज्यादा गलेगी भी नहीं। तो ये गोभी फ्राई हो गई, इसको हमें निकाल लेना है। एक छोटा सा प्याज काट के रखा था, प्याज डाल लेना है और एक चौथाई चम्मच में डाल देना है जीरा, इनको भी अच्छे से फ्राई कर लेते हैं और चुटकी भर हींग डाल लेते हैं, इनको मुझे अच्छे से भून लेना है। और किस किस के यहाँ गोभी सिंघाड़े की सब्जी बनती है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताएं। तो इसको फ्राई कर ले रहे हैं, प्याज अच्छा गुलाबी हो गया है, अब इसमें हम जो हमने पेस्ट बनाया था इसको ऐड कर दे रहे हैं और इसको हमें अच्छे से भून लेना है। इसी समय हमें इसमें ऐड कर देनी है आधी चम्मच धनिया पाउडर, एक चम्मच लाल मिर्च पाउडर, मिर्च आप अपने हिसाब से ले सकते हैं या थोड़ी सी तीखी ज्यादा खाते हैं, और आधी चम्मच हल्दी पाउडर, इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेना है। और ताजे मसालों की खुशबू बहुत ही अच्छी आती है, बहुत ही अच्छी आ भी रही है, गैस को हमें बिल्कुल लो रखना है जिससे मसाले हमारे चले ना, और इनको हमें कुछ देर के लिए भूनना है। साथ में ही हम यहाँ पे ऐड करेंगे नमक, नमक ऐड कर दिया है, नमक भी आप अपने टेस्ट के हिसाब से ही ले, गैस को हमें लो ही रखना है जिससे हमारे मसाले जले ना। ये मसाला भुन गया है और जो हमने दो टमाटर काट के रखे थे अब इसमें वो भी ऐड कर देंगे आप, और यहाँ पे हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, बहुत हल्का सा, इतना सा। अब जो टमाटर है वो अच्छे से पक जाएंगे
और मसाले जो हल्के कच्चे रह गए होंगे वो भी पक जाएंगे। इसको हमें ढक के मसाले को पका लेना और टमाटर भी सॉफ्ट हो जाएंगे। एक मिनट हो गया है, अब हम मसाला जरा चेक करते हैं। कलर बहुत ही अच्छा आया सब्जी का। टमाटर पक गया है, पर टमाटर भी बिल्कुल सॉफ्ट हो चुका है, देख पा रहे होंगे। इसी समय हमें ये ऐड कर देने गोभी और सिंगाड़े, और इनको हमें अच्छे से मसाले में मिक्स कर लेना है। अब इसमें हमें कुछ नहीं ऐड करना है, सारे मसाले हो गए, नमक भी हो गया है, और इनको हमें एक मिनट तक इसी मसाले में भूनने देना है। इसको ढक के एक मिनट तक हम और इसको पका ले रहे हैं। एक मिनट हो गया है, लग रही है ना देखने में बहुत ही अच्छी, और बनती भी बहुत अच्छी है। तो एक बार आप जरूर ट्राई करें, और किस किस के यहाँ बनते हैं ये मुझे जरूर बताएं कमेंट बॉक्स में लिख के। अब मुझे इसमें ऐड कर देना है पानी। ये पानी मैंने गरम लिया था, गरम कर लिया था पहले से ही। आप ठंडा भी डालना चाहे ठंडा भी डाल सकते हैं, गरम डालना चाहे गरम, से क्या होता मसाले एकदम बढ़िया फ्लेवर में ही रहते हैं। तो हमने यहाँ एक गिलास पानी ऐड कर दिया है, बहुत ही अच्छा कलर आया है। अब इसको हमें एक उबाल आ जाने देना है ग्रेवी में, उसके बाद हम इसको ढकेंगे। तो हमारी सब्जी में एक अच्छा सा बॉयल आ गया है। तो इसको अब हम गैस को हमने कर दिया लो, और इसको अब हम बंद कर देंगे, देखेंगे 5 मिनट बाद। तो 5 मिनट हो गए हैं, हम देख लेते हैं सब्जी को। बहुत अच्छी खुशबू आ रही, सच में बहुत अच्छी खुशबू आ रही है इसकी। तो 5 मिनट बाद इसको, अभी हमने चेक कर लिया, 5 मिनट बाद इसको हम फिर से चेक करेंगे। अभी ये बनी नहीं है, तो इसको ढक दिया हमने। अब 5 से 6 मिनट, 5-6 मिनट हो गया है, और आप देख पा रहे होंगे कितना अच्छा कलर आया है इसका, और ये सब्जी तैयार हो गई है बनके। और आप देख पा रहे होंगे गोभी बिल्कुल वैसा ही रखा है, बिल्कुल जैसे नहीं घुल जाता है उस तरह से नहीं है, और अच्छे से पक भी गया। हम आपको दिखा रहे हैं, ये देखो अच्छे से पक भी गया है। तो सब्जी हमारी बनके तैयार हो गई है, और अब इसमें हम डाल देते हैं हरा धनिया। बहुत ही अच्छी दिख भी रही है, और बहुत ही अच्छी लगती भी है खाने में। और हम आपको पास से दिखाते हैं कितनी बढ़िया ये सब्जी बनी हुई है। आप एक बार इस तरह से बना के जरूर ट्राई करें, आपको भी बहुत पसंद आएगी गोभी सिंगाड़े की सब्जी। तो आज की रेसिपी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताएं। और आज के वीडियो में इतना ही, फिर एक नई रेसिपी के साथ आएंगे। तब तक के लिए आप सभी को